तू मुझे मारेगा तो जीके तुझे कभी नहीं मिलेगा। गन नीचे रख और गिट्टू को उस कुर्सी पे रख दे। बिट्टू, मैं रखूंगा गन नीचे। गन में नीचे रख रहा हूँ और तेरे भाई को भी रख रहा हूँ। कुछ मत करना। ये रख दिया मैंने। देख, अब बता गिरीश कुमार कहां पर है। गिरीश जी, मेरे भाई तू ठीक तो है ना? कितना दुबला हो गया है। ये लोग तुझे ठीक से खिलाते पिलाते नहीं है क्या? सूख के लकड़ी हो गया है तू। अब बिल्कुल नहीं। नो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीन बार गाड़ी रोक चुके हैं। अब जो भी खाना ना थिएटर में जाके खाना। अरे नहीं, खाने की बात नहीं है डॉली। वो ट्रक, वो तो पुलिस ने जब्त कर रखा था, वो रोड पे कैसे आ गया? अरे छोड़ो ना उस ट्रक को मानव, मेरी फिल्म। अरे फिल्म क्या है, मैंने रिव्यू पढ़ रखा है। हा? कातिल नर्स है। बस मेरे 500 रुपए बचा लिए ना, अब चलो। थैंक्स। गिरीश कुमार जी, आप ठीक तो है? गिरीश जी, आप ठीक तो है, बोलते क्यों नहीं? सॉरी, मुझे नहीं दिखा के आपके मुंह पे। मुझे बताइए कि इस किडनैपिंग के पीछे कौन है? आपके पीछे। किडनैपिंग के पीछे? गिरीश जी, आपके पीछे। लगता आपके कान खराब हो गए। किडनैपिंग के पीछे? आपके पीछे। अब तो आपको गिट्टू मिल गया है। अब तो आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ हाथ खोल दीजिए, मैं छोड़ता हूँ। मानव, नहीं है तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है। उस तरफ देखिए। अगर वो डरो मत, मुझे भी मत डराओ, कुछ मत बोलो। ओके, बोलो नहीं। ओके, किसने मारा? कौन है? क्या कॉलो? किसने मारा भाई तुम्हें? किसने मारा? अरे मैं लाश नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, ये देखो। अरे हाँ, जिंदा हो। फिर ये बताओ कि इस ट्रक को लेकर तुम क्या कर रहे हो? ये ट्रक तो पुलिस ने जब्त कर रखी थी। गिरीश कुमार की किडनैपिंग में तुम्हारा क्या हाथ है, बोलो, सच बताओ। मेरा नाम भीम सिंह है। ये ट्रक जो है वो कमिश्नर साहब ने हेडक्वार्टर से 2 टाकी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा था। अपने यहाँ पे हेडक्वार्टर में पार्किंग की जगह नहीं है ना, इसीलिए। तुम पुलिस के ड्राइवर हो? हाँ। कोई आईडी है? ये देखिए। अच्छा, क्या यार, कोदा पहाड़ निकला भीम सिंह। उल्टा कोतवाल को डांटे। अरे हाँ, मैं भी कोतवाल, तुम भी कोतवाल, मैंने तुम्हें डांटा। होता है। वैसे तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? सर, आज मेरा बर्थडे है सर। ओह नाइस, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। आपका भी आज बर्थडे है? नहीं, और पुलिस में ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपने बर्थडे के दिन कोई भी कपड़े। हम स्कूल में है क्या?
बेकार की बात कर रहे हो। और जिस दिन मेरा बर्थडे होगा ना, मैं बर्थडे पार्टी रखूंगा, उस दिन तुम्हें इनवाइट जरूर नहीं करूंगा। अच्छा सर, मैं जाऊं? वो क्या है ना, नई वाली सस्पेंस फिल्म है ना, पत्नी के साथ में फिल्म देखने जाना है। हाँ जाओ जाओ। ओके सर। ने पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, नहीं अब तो बाकी नहीं है। ओ भीम सिंह, वो सस्पेंस वाली पिक्चर में ना खून नर्स ने किया है। ओ रुको जरा, रुको 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 रुको, ये मुझे देने की कोशिश भी मत करना, पासी है। नहीं मैं तुम्हें देने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो ये शिल्पा। ये शिल्पा कौन है? बीवी। तुम शादीशुदा हो? अरे नहीं डॉली, मेरी बीवी नहीं, उस गिरीश कुमार की बीवी। ओ। उसके बालों में हमेशा इन्हीं फूलों का गजरा होता है। तो फिर ये फूल इस ट्रक में कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो कनेक्शन है। हाँ ऐसे फूल मैं अपने बालों में लगाती हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता कि ये उस ट्रक पे कैसे आया? पहले तो आपके पति किडनैप होते हैं, फिर आप हमें एक ट्रक ड्राइवर का पीछा करने के लिए कहती हैं, ये कहकर कि उसी ने शायद आपके पति को किडनैप किया होगा। फिर हम उस ट्रक का पीछा करते हैं और वहां पर हमें ये वाले फूल मिलते हैं जो अक्सर आप अपने बालों में लगा के रखती हैं। तो शिल्पा जी बताइए, क्या है आपका इस ट्रक और ट्रकर का रिश्ता? क्या ट्रक धिनाधिन चल रहा है आप लोगों के बीच? देखिए मैं कुछ नहीं जानती, आप बस मेरे सुहाग को मेरे पास वापस लाइए प्लीज। सुहाग कौन है? मेरे पति। नौ रोटी थी सर, मुझे लगता है आप गलत आदमी पे, आई मीन गलत औरत पे शक कर रहे सर। मुझे तो लगता है कि ये पूरा गेम उस पापी गुड्डे का है। एक बार आदि आ जाए फिर दूध का दूध और कोला का कोला हो जाएगा। ओ आप लोग लेंगे? नहीं नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप क्यों लेंगे? उसे आदि आया क्यों नहीं अब तक? हेलो आदित्य, आवाज को क्या हुआ? बटे दूध की चाय पी ली क्या? दूध तो तेरा फाड़ूंगा मोटे रोला, फोन कट कर दिखाता हूँ। फंस गया माना, फंस गया, पासा पलट गया, मैं इंसान था अब कठपुतली बन गया, अब क्या करेगा तू? आदि ये तू है? अबे ये क्या हुआ तुझे? आदि ये तू ही है, अबे ये क्या हुआ तुझे? आदि बोल ना। आदि बोलना, तू मेरी नकल, तू मेरी नकल। जरूर मेरी टांग खींच रहा है। अच्छा बोल, मानव सबसे वीर है, आदि नमक की खीर है। अच्छा बोल, मानव सबसे वीर है, आदि नमक की खीर है। ये तो सच में सीरियस मैटर है, वरना आदि अपनी नींद में भी मेरी तारीफ नहीं करेगा। आदि होश में आओ, आदि होश में आओ, आदि होश में आओ, आदि होश में। मैडम मैडम, एक बार ना मैं चिड़ियाघर गई थी, वहाँ पर ना एक पिंजरे में मैंने ऐसे नकल चबंदर देखा था। बंदर देखने के लिए तुम्हें चिड़ियाघर जाने की क्या जरूरत है? घर पे आईना है वही देख लो।
अबे चुप, इधर का कॉमेडी नाइट चालू है। चीटर लोग, मेरे साथ चीटिंग किया तुम लोगों ने। अरे बिट्टू जी, मैंने तो कभी सांप सीढ़ी में चीटिंग नहीं की, मैं आपके साथ क्या चीटिंग करूंगा? आपने ये मेरे दोस्त के साथ क्या? ढक्कन लगा मुंह पे। ये देखो, मेरे भाई गिट्टू का दिल निकाल कर उसे खोखला करके भेजा है मेरे पास। कहाँ है इसका दिल? जीके की बीवी को बोलना, वो समझ जाएगी। अरे क्यों, हम क्या ना समझे? बिट्टू जी, हेलो। वाह, क्या चाल है! तो शिल्पा जी, ये बिट्टू कह रहा है कि जीके की बीवी से पूछो, तो आप बताइए कहाँ है गिट्टू का दिल जो हमें नहीं राय मिल? दिल नहीं, दिमाग खो गया किडनैपर का। कुछ भी बात करते हैं। दिमाग तो हमें लड़ाना पड़ेगा। सही बात है, ये पपिट का दिल कब से होने लगा? और अगर होने लगा तो कब से खोने लगा? दिल है कि रुमाल, खो गया। ऐसे होता है। सब इंस्पेक्टर स्वतंत्र भारती। अरे आप रुक जाइए, आप क्या है? वैसे मुझे लगता है कि गिट्टू पपिट ने अपना दिल किसी लेडी पपिट को दिया है। जैसे मैंने अपना दिल तो आप चाह रही हैं कि हम पहले लेडी पपिट को ढूंढें ताकि हमें दिल मिले। देखिए, हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। मुझे तो लग रहा है आदि को किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया। जैसे आपने मुझे हिप्नोटाइज। आप सिर्फ एक दिशा में क्यों सोचती हैं? ये दिशा कौन है? पटानी है, पट नहीं रही, मतलब मुझे नहीं पटानी है किसी और। छोड़िए ना इन बातों को, क्या रखा है इन चीजों में? सबसे पहले तो पता नहीं आदि कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मुझे कुछ करना होगा। आप लोग जाइए, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। आप अपनी जान पे खेल के उन्हें ढूंढेंगे? नहीं, मुझे कुछ करना होगा मतलब मुझे खाना खाना होगा। ये अभी खाने की बात की ना तो मुझे अचानक से याद आ गया कि मेरा तीसरा लंच अभी बाकी है, तो एक बार वो खा लूं, उसके बाद का बाद में देखेंगे। तब तक आप लोग जा सकते हैं, लेकिन शिल्पा जी ये याद रखिएगा कि आप यहां से तो जा सकती हैं लेकिन शहर छोड़कर मत जाइएगा। आप कहते हैं तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, बस यहीं खड़ी रहूंगी लाइक हमेशा, जिंदगी भर। ये केस जैसे ही खत्म होगा ना, आप देश छोड़ के चली जाइएगा। सुंदरी। यस सर। अरे क्या हो, क्या रहा है? तुम शर्माई क्यों जा रही हो? और आप क्या कर रही हैं? आंखें मारे जा रही हैं? तुम ये किए जा रही हो? मैं कह रहा हूँ इन दोनों को बाहर लेकर जाओ, ये यहाँ से जा नहीं रही है। लड़कियां हर चीज का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो? जब सामने से लड़के कोई गलत मतलब से बात कहते हैं वो तो समझती नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे? मुझे नहीं रहना, सारी लड़कियां सारी जा रही, औरतें पागल हो गई हैं। बस वो मालूम है तुमको तो सिंगर होना चाहिए। हाँ, तू तो प्रैक्टिस करती हो, तुम आखिर आखिर में प्रैक्टिस करती हो चुप चुप के। तुम्हें मेरा मराठी मीट्स बांग्ला रीमिक्स पसंद आया? अरे खूब भालो, भीषण दारुन। इसीलिए चाचर मैंने अपने हाथों से बनाकर रसगुल्ले भेजे हैं तुम्हारे लिए। रसगुल्ला? चक्कर देखो ना चाचर, प्लीज। अरे आपको अरे रसगुल्ला, अरे हमें तो कमजोरी है, मेरा बात चले तो रसगुल्ला से मैं 3 बार दिन में कुल्ला करूंगा। अरे बाबा रे बॉस, आप रसगुल्ला एंजॉय करो। ये रसगुल्ला है या हाथ गोला? बाबा रे,
पंजाबी स्टाइल से बनाया है मैंने रसगुल्ले। अच्छा कौन सा पंजाबी खाता होगा ऐसा रसगुल्ला? सर डीजीपी सर का वीडियो कॉल आने वाला है, वो कह रहे थे कि आदि के केस के बारे में वो बात कर। नीना जी है? अरे नीना जी, हाय नीना जी। हेलो, सुनो मैंने अपने हाथों से ना रसगुल्ले बनाकर भेजे हैं, खाओ ना तुम भी। अरे रसगुल्ले तो मुझे बहुत पसंद है, अभी बताता हूँ आपको। कैसे करारे रसगुल्ले बनाए मैंने, बनाए मैंने। लेकिन चैटर तुम तो खा ही नहीं रहे हो, एक तो चख लो। मेरा अभी याद आया, मेरा आज डाइटिंग है। रियली? सेम पिंच, मैं भी डाइट पे हूँ। बिना चखे ऐसे करारे स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए मैंने। नहीं नहीं नहीं, खाइए खाइए सर, आप भी एक तो खाइए आप। नहीं नहीं नहीं, आज मंगलवार है ना, मंगल को मैं नहीं खाता हूँ, अभी याद आया मेरे को। खाओ ना। और सुनो, लसन ना डाइट के लिए बहुत अच्छी होती है, मुझे लसन का हलवा बनाना आता है, भेजू? अभी नहीं, बाद में, बाद में। अभी डीजीपी साहब का वीडियो कॉल आने वाला है। बांग सर, रसगुल्ला क्या बनाया है सर? मुझे होश आ गया, लेकिन अब तक क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तुम क्या घूर रहे हो, मुझे नहीं पहचानते? इंस्पेक्टर आदित्य, अब जो तुम्हें छुड़ाने आया था यहां पर। तुम्हें क्या लग रहा है मैं अभी भी हिप्नोटाइज हूं? मैं होश में आ गया हूं। होश में तो पहले आ गया था, लेकिन वो साथ में बाजू में एकदम राक्षस बन के खड़ा हुआ था, कैसे मैं बोलता कुछ भी। हंस लो, हंस लो, हंस लो। हर इंसान का एक बुरा दिन आता ही आता है, आज मेरा आ गया। मुझे नहीं पता था तुम्हें छुड़ाने के चक्कर में मैं भी यहाँ चंगुल में फंस जाऊंगा, ये सब पपेट बन जाऊंगा। लेकिन देखना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के बाहर ले जाऊंगा। क्या कर रहे हो बताओ ना खुलकर। तुम्हारा मुंह खोलना पड़ेगा, उसके लिए पहले मुझे खुद को खोलना पड़ेगा। है? पहले मैं खुद को खोलूंगा कैसे? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। तुम्हारा जीजी पहले रेडियो पर था क्या? अरे सर, ऐसे आदमी को रेडियो पर जॉब कौन देगा? ऐसे आदमी को तुमने अपने बहन दे दिया। अरे मुझे कोई बताएगा केस का अपडेट क्या है? यस सर, मंगलू ने साइकिल की घंटी फिर से चुरा ली। वेरी इंटरेस्टिंग, ये मंगलू और जी के पपटवाल का क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं सर, मैं तो मेरी साइकिल की बात कर रहा हूँ, मैं अपने केस का अपडेट दे रहा हूँ सर। सॉरी जीजा जी, सर मतलब सॉरी सर, ये बोस क्या अपडेट देगा, तो खुद ही आउट ऑफ डेट है सर। सर हम देगा अपडेट, वो बिट्टू पपेट है ना, उसका भाई गिट्टू पपेट को हमने वापस लौटा दिया है, मगर अभी उसने नया ड्रामा शुरू कर दिया है, वो दिल मांग रहा है, दिल दो। आई सी, वेरी रोमांटिक पपेट वाला, दे दो जो मांग रहा है उसको दे दो। हम कैसे देगा, मेरे पास तो एक ही दिल है, वो भी बुक्ड है। अब मेरी तरफ तो देखिएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा दिल भी मेरे पास है नहीं, वो तो। ओ भूल जाओ, उसको दिल दे दो। अरे जो चाहिए उसको दे दो यार। किधर से देगा गिट्टू का दिल, गिट्टू तो बिट्टू के पास ही है, और ऊपर से हमारा इंस्पेक्टर आदि भी उधर ही है। क्या उसने इंस्पेक्टर आदि को भी किडनैप कर लिया? किया नहीं, आदि तो खुद ही किडनैप हो गया, वहां गया, किडनैप हो गया और हिप्नोटाइज होके पपिट बन गया है। फालतू में होशियारी दिखाता है, जब उसे कुछ होता नहीं है क्यों दिखाता है पता नहीं। आदि किडनैप हो गया? ये सर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं? क्योंकि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो किडनैप हो गया, और अगर आप मुझे बता रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्यों बता रहे हैं, मुझे तो पहले से पता है कि वो किडनैप हो गया है। वैसे जीजा जी आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं मानव देसाई आपके सर की कसम खाता हूँ। मैं आपके सर की कसम खाता हूँ जीजा जी, के उस बिट्टू पपिट को चपेट मार के मैं अपने पपिट को
मेरा मतलब अपने आदि को वहां से वापस लेकर आऊंगा। डीजीपी सर, ये आदि सर जब तक वापस नहीं आते तब तक उनकी सीनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट मैं ले लूं। क्या है, आजकल मैं एकदम ही फ्री हूँ। जैसे साबुन के साथ में कंघी फ्री। अरे तू पोस्टमैन का पोस्ट लेने का भी लायक नहीं है, बोलता सीनियर इंस्पेक्टर बनेगा। सॉरी सर। मेरी बात कान खोल के और मुंह बंद करके सुन लो। जी सर, सर, जी सर। कल तक मुझे दोनों इंस्पेक्टर आदि और ये पपट वाला गिरीश कुमार दोनों चाहिए। अगले महीने मेरे भतीजी का बर्थडे है, अपनी बार गिरीश कुमार का परफॉर्मेंस होना ही चाहिए। यस सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।